साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक सिंपल सा वीडियो इस आज की इस डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है एक छोटा सा, एक 25x40 फीट में आपको एक मंदिर बनाना है, चाहे वो हनुमान टेंपल हो या फिर अपना अपना रिलीजन जैसा चर्च बांधते हैं या फिर अंबेडकर भवन या फिर मस्जिद बनाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ हनुमान टेंपल हो या फिर हिंदुओं का जो बिलोंग करता है टेंपल। तो आपको कितना जगह चाहिए और कितना खर्चा आता है उसके लिए और एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है। अब मंदिर तो आप बना लिए, बाद में आपको पार्किंग के लिए भी जगह चाहिए। सो ऑलमोस्ट ना सबसे बेस्ट, जो भी आज की डेट में नया मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ या फिर पुराना मंदिर मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है या फिर अम्बेडकर भवन, प्लीज़ यार स्पीकर को मत रखो यार, बहुत डिस्टर्ब होता है। पढ़ाई कर रहे लोग आजकल, 10th 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, डिग्री कॉलेज वालों के एग्ज़ाम चलते हैं, गवर्नमेंट प्रिपरेशन वालों का एग्ज़ाम चलते रहता। तो स्पीकर हो सका तो प्लीज़ यार ऑफ़ रख दो। सिर्फ अगर आप कुछ करना ही है स्पीच, तो अंदर का अंदर जो छोटे स्पीकर रहते हैं, देखो सिर्फ जहाँ लोग बैठते हैं उन लोगों को ही सुनाई देना, वो लेवल का वॉल्यूम या फिर वो लेवल का स्पीकर रखो। ऐसा हमारे घर के बाजू में एक चर्च है, चारों तरफ से 4 स्पीकर रखा गया, इतना नॉइज़ आता है। अगर ये 12 बज गया समझो, 12 बार घंटा बजता है और 2-3 सेंटेंस बोलते हैं, सो बहुत डिस्टर्ब होता है। मेरे को तकलीफ़ है, वो मैं महसूस किया हूँ। मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मैं हिंदू हूँ तो आप कोई हिंदू वाले देख रहे पुजारी, प्लीज़ यार स्पीकर को ऑफ रख दो। चलो अब बात करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना था। देखो यार, मंदिर आप बना रहे हैं, ये मंदिर में कैसा रहता, थोड़ा डिज़ाइनिंग पार्ट ज़्यादा रहता, बाकी का क्या है पेंट वर्क हो या फिर खुला रहता है, इसमें ऐसा ग्रेनाइट टाइल्स सब भारी चीज़ यूज़ करने का आपको नेसेसरी नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 25 फीट में बना हुआ, इसका विड्थ जो है ना 25 फीट है, 25 फीट में ये बीच में जो देख रहे हैं ना 4 पिलर है, यहाँ पे 4 पिलर, पीछे की तरफ 4 पिलर और सामने की तरफ जो है ना ये साइड की तरफ ना 3 2 2 पिलर आए, ओके बीच में 2 पिलर। तो वो 40 फीट में क्या है 4 पिलर है और 25 फीट में क्या है 4 पिलर, मतलब डिज़ाइन के अनुसार यहाँ पर बनाएगा। हाइट कितना रहना, एक 4 फीट हाइट रख लीजिएगा आप ज़मीन लेवल से, काफ़ी ठीक है, 4 साढ़े 4 फीट तक आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे साइड में कट्टा ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज साइड में कट्टा होना ज़रूरी है। एंड ये सामने ये कितना जगह चाहिए कट्टा, एक 4 फीट का जगह सफिशियंट है। फिर उसके बाद स्टेप्स आ गए आप अंदर, ओके अंदर की तरफ चलते हैं किस तरह से बनाएगा। इधर एक 25 फीट को क्या है 2x3 किया गया, वो डिवाइड करके बीच में जो गैप आता है देखो ऐसा रखे, एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट दरवाजे के सामने भगवान का मंदिर है। ये अगर कोई भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या फिर लोग आपको बैठना चाहते तो भी बैठ सकते हैं। ये जो कट्टा है ना एक 3 फीट हाइट पर लिया गया, सो दैट इसके ऊपर भी कोई बैठ सके, छोटे बच्चे हो या फिर हमारे लोग, हम जैसे ये अंकल लोग, बैठने के लिए भी जगह मिल जाता। और ये दान पेटी, फिर एक छोटा सा ये गौ माता के जैसा, ये सामने की तरफ ये जो जगह है देखो लगभग 30x30 फीट तक आपको, ये 25x30 फीट तक ये जगह ओपन स्पेस, बाकी का जो है फिर पीछे की तरफ जो 15 फीट बचा हुआ है देखो 15 या फिर और एक थोड़ा बहुत कुछ, उसमें क्या है ये पैसेज राउंड मारने के लिए जगह मिल रहा है, ओके। सो एक तो 3 उधर, एक 4 फीट छोड़ेगा उस तरफ, एक 4 साढ़े 3 फीट मान लीजिएगा, ये बीच में क्या है मंदिर मेन कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो मैं आपको एक राउंड फिरा लेता हूँ, देख लीजिएगा ऐसा रहता कंस्ट्रक्शन, हिंदुओं का टेंपल ऐसा रहता है। एक जो भी नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेरा ख्याल से कंस्ट्रक्शन करो ही नको, 1-2 ही रहना, अच्छा सा मेंटेन करो बस। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने से ना कोई यूज़ नहीं है, उसके बदले में आप जानवरों को हेल्प करो, इंसानों को हेल्प करने से कुछ नहीं मिलेगा, जानवरों को हेल्प करो यार, वही है मेरा एक रिक्वेस्ट है। बिकॉज बहुत सारे आजकल के पालतू जानवर हैं, उन लोगों को ना बहुत तकलीफ़ में जी रहे हैं, काउज़ हो, डॉग्स हो या फिर हमारे आसपास के जानवर हो, एटलीस्ट जिस जानवर को आप देखते हैं ना उनको ज़रूर मदद करिएगा। ये मंदिर मस्जिद चर्च कुछ नहीं मिलेगा आपको, भक्ति है आपके पास, विश्वास है, मतलब काम अच्छा करो वही सबसे बड़ा मंदिर है, आपका शरीर ही अच्छा मंदिर है, काम अच्छा करो अपने लाइफ में, किसी को तकलीफ़ मत दो और किसी का तकलीफ़ लेओ भी नको।
लिए तो भी ना जितना हो सके उतना लियो, बाकी का टाइम में ऐसा जो जो भुखमरी से मरते थे कुछ जानवर उनको ज़रूर मदद करो यार। अब इंसान कितना भी पुअर हो, लंगड़ा हो, कुछ भी हो, उसके पास अगर बोलने की जुबान है उसके पास, तो एटलीस्ट वो मांग तो सकता है, बोलकर मांग तो सकता है। जानवर क्या है, वो अंदर ही अंदर घुटना पड़ेगा उसको, ऐसा है उनका लाइफ। सो ना, अब जितना डेवलपमेंट इससे नहीं होता, मंदिर मस्जिद बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता मेरे ख्याल से। अपना अपना विचार है, वो मैं आपको बता रहा हूँ बस। अब रिसेंटली क्या हुआ, हनुमान ये जयंती था, बसवेश्वर जयंती। बसवेश्वर मतलब एटलीस्ट शाइन कॉलेज वाले आके इंसानों को पेड़ा खिलाए, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, उससे भी अच्छा कोई भी जानवरों के बारे में सोचा ही नहीं। कोई भी जानवरों को जयंती के दिन ना, जानवरों को खाना कोई नहीं खिलाया, सिर्फ बोलने के लिए गो माता बोलते हैं, बट रियलिटी में ना कोई उनको साल में एक बार, जैसा आपका बर्थडे रहता, देखो साल में एक बार कोई भी उसको घास ला को नहीं खिलाया अब तक, मेरे नज़र से देखा हूँ मैं तो। सिर्फ बोलने के लिए गो माता बोलते हैं, बाकी का सिर्फ फिजिकली कुछ भी है, खाली जुबान। ऐसा है आज आजकल का ये भक्ति। तो उसके साथ मैं दोनों एक अपना ओपिनियन भी बताया हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को आज तक मेरी वजह से आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं हुआ यार, और किसी का घर ख़राब नहीं करवाया, मतलब कंस्ट्रक्शन किया है ना, बहुत अच्छा प्लानिंग दिया हूँ और उनको पहले ही बताता, ऐसा आप प्लान लिए तो ऐसा होता देखो फ्यूचर में। सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों थिंक करके मैं अब तक प्लान दिया हूँ लोगों को, दैट्स इट।